एक बीघा में वो कह रहे कि मैं प्याज भी लगा के गुजारा नहीं कर सकता था, कितनी कम लैंड उनके हिस्से में आई थी। चलती हुई ट्रे में डंड बैठक लगा लेते, ऐसे उनके हाथ रखे होते थे, जब डंड लगाते थे तो उनका जो सर्दियों में बहुत, जब सर्दी कोहरा पड़ रहा होता तब उनका पसीना ऐसे जाता था, ऐसे धार पड़ती थी पसीने की और नीचे ऐसे हो जाता था जैसे कोई नहाया हुआ हो आदमी। फिलहाल हम हैं आप अंकल जी के साथ, हम बैठे तो आपने शायद पहचान लिए होंगे, और अगर नहीं पहचाने हैं तो महान अभिनेता और विश्व चैंपियन रहे स्वर्गवासी दारा सिंह जी के बड़े बेटे हैं। पहलवान होने के साथ ही साथ एक महान अभिनेता भी थे। एक सीरियल आया था रामायण जिसमें हनुमान जी का किरदार निभाया था दारा सिंह जी ने, और भी उनके जीवन से जुड़ी हुई रोचक बातें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल हम दारा सिंह जी के फार्म हाउस पर हैं। राम राम जी, राम राम जी, अंकल जी बैठे हैं, इनका बेटा हूँ बड़ा। यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनकी, वाह। अच्छा, ये फार्म हाउस बनाया कब गया था? ये 1970s में बनाया था, 1970s। उस टाइम पे दारा सिंह जी यहाँ पे आए हैं ना, पहले रहे हैं कभी? हाँ, यहाँ आए हैं और एक फिल्म की शूटिंग भी करी थी उस टाइम पे। अच्छा, भगवान और किसान। भगवान और किसान, अच्छा, तब वो यहीं पे रह रहे थे उस टाइम पे। दिल्ली में कोठी बनाई थी और यहाँ पे फार्म हाउस लिया था। हाँ, दिल्ली कौन रहते हैं अभी? दिल्ली तो अभी वो सेल आउट कर दी थी दारा जी। अच्छा, तो मतलब आपका पूरा परिवार अभी यहीं रहता है? हमारा पूरी परिवार। मुंबई में रहे थे ना दारा सिंह जी? हाँ, मुंबई में रहते हैं। अच्छा अच्छा, घर वहाँ पे भी। वहाँ कौन कौन रहते हैं आपके परिवार के? रहते वहाँ चाचा जी रहते हैं, बिंदु चाचा जो आजकल। हाँ, बिंदु जी, बिंदु दारा सिंह जी। हाँ, बिंदु दारा सिंह जी रहते हैं। कई फिल्मों में, सीरियल में भी काम किया उन्होंने। वो मेरे चाचा जी हैं। अच्छा जी, तो अभी आप में से कोई फिल्मों में काम करता है क्या? नहीं, हम में से कोई नहीं करता। अच्छा, हम लोग गए नहीं उस तरफ फिल्म लाइन की तरफ। देखिए, लोन है, डेयरी फार्म पीछे था पर अब तो हमने अपने घर के लिए रखा हुआ है। आपको अंदर भी दिखा देता हूँ, ऊपर से भी दिखा देता हूँ। बहुत आते थे जब भी उन्होंने दिल्ली आना था, फार्म हाउस पे जरूर आते। चलिए अब अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे लगी हुई है दारा सिंह जी की फोटो। अमृतसर के पास एक जगह पड़ती है मेहता चौक। मेहता चौक, उसके पास ही हमारा गांव है धर्मू चौक। अच्छा, तो वहाँ पे भी फैमिली वाले रहते होंगे ना अभी? वहाँ पे गांव में। अच्छा, फैमिली अभी तीन जगह बट गई। हाँ जी, तीन जगह, मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश और फिर मुंबई, महाराष्ट्र। ऊपर एक डॉग है, मैं उसको बनवा देता हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। सुबह और शाम के टाइम पे यहीं बैठते होंगे? हाँ, यहीं बैठते हैं। प्राकृतिक हवा, ठंडी ठंडी, बहुत बढ़िया माहौल लगता होगा चारों तरफ का। ये पीछे मैं बता रहा था, डेयरी फार्म में घर के लिए रखा हुआ है। अच्छा, डेयरी फार्म यहाँ से दिख जाएगा पूरा। यहाँ से दिख रहा पूरा फार्म। पीछे डेयरी फार्म। अच्छा, ये यहाँ पे डेयरी फार्म का है? हाँ, ये पीछे आम का बाग है क्या? ये आम का बाग है। अच्छा, आपका ये बाग? हमारा ही। बहुत बढ़िया, अभी पानी लगाया शायद खेतों में, कुछ बोया है क्या? गेहूं बोया है। अच्छा, गेहूं बोके उसके फिर पानी दे दिया गेहूं बोके। अच्छा, ये जो ईख का खेती है ये भी आपका है? नहीं, ये ईख का किसी की और का है, हमारा जहाँ तक ये आम का बाग है। अच्छा अच्छा, ये सारा फिर सड़क पार चले जाता है सारा। अच्छा, उस पार भी है? उस पार भी है सारा। एक गैस एजेंसी है हमारे पास, इंडियन ऑयल की, इधर सामने, ये भी हमारी है। अच्छा, ये एजेंसी। अच्छा, एजेंसी जो है। अच्छा, गैस एजेंसी और अपना ही, और ये फार्म। चलो बहुत बढ़िया जी। तो आपके दो भाई हैं? हम दो भाई हैं। आपका नाम? एक
सिस्टर है वो बड़ी है हमसे, वो कनाडा में। आप बड़े हैं ना? मैं बड़ा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय रंधावा। अजय रंधावा जी, और दूसरे वाले विजय रंधावा। विजय रंधावा, तो विजय रंधावा जी के बारे में हमने एक बार देखा था। हाँ हाँ, वाले हैं पूर्णिया जी। हाँ पूर्णिया जी, अच्छा वो भी शायद एक्टर है ना? उन्होंने भी फिल्में भी बनाई है काफी। अच्छा, उन्होंने देहाती फिल्में काफी बनाई। हाँ, उन्होंने बताया भी था वीडियो में कि हम 1970 से आ रहे हैं यहाँ पे। कह रहे थे बहुत, अंकल जी ने बोला था ना कि उन्होंने फिल्में बनाई हैं, तो हमने सोचा शायद इन्होंने भी एक्टिंग की। काफी पुराने टाइम से आते रहे हैं हमारे पास, उस टाइम भी उन्होंने 1970 का बता रहे थे। वीडियो को हमने पहली बार, मेरे साथ तो वो दादाजी की कुश्तियाँ भी देखने जाते रहे एक दो बार। अच्छा अच्छा, वो लड़ते थे। आपने कहाँ कहाँ देखी कुश्ती? मैंने ज्यादातर दिल्ली देखी है। अच्छा, और बॉम्बे में देखी। अच्छा, बॉम्बे में कुश्ती हुई थी तो गए थे। नहीं, अभी पहलवान कर रहे हैं कोई आपके परिवार में? अभी हमारे में अपना चाचा जी करते थे, पर वो भी अब छोड़ गए हैं। चाचा रंधावा जी जो दारा जी के ब्रदर थे वो करते थे। क्या नाम बताया आपने इसका? नोवा। नोवा, और कुछ एक और बुली बोल रहे थे ना? अमेरिकन बुली। ये अमेरिकन बुली है, बहुत खतरनाक है। इधर आपके पास है, तीन कुत्ते हैं। एक तो ये है, ये है, एक पीछे भी है, एक पीछे बंदा था बड़ा सा, अंदर और है। अच्छा, पीछे भी है। इसको ना अभी ऊपर बांध रखा था, ऊपर घूमने गए इसलिए इसको फिर नीचे ले आए। मेरा नाम प्रद्युम्न सिंह है। प्रद्युम्न सिंह, और दारा सिंह जी के आप बड़े बेटे हैं? बड़ा बेटा। अच्छा, अभी आप इसी फार्म पे रहते हैं यहीं पे? हाँ, फार्म पे रहता हूँ। आपने एक्टिंग भी की है ना फिल्मों में? एक्टिंग भी की। कौन कौन सी फिल्मों में काम किया था? मेरी पहली फिल्म आंखें थी। आंखें? रामानंद सागर साहब की आंखें। ओ, पुरानी वाली। पुरानी वाली, धर्मेंद्र हीरो थे। कौन से सन में आई थी आंखें फिल्म? ये मेरा ख्याल नहीं यार भाई, 1967 के आसपास की फिल्म होगी। 96 से 97 की। अच्छा, और कौन सी फिल्मों में जैसे? उसके बाद एज हीरो मेरी फिल्म आई थी। अच्छा, बंदेश। बंदेश, बंदेश 1969 में। 1969 उसमें हीरो था मैं। अच्छा, आप मेन रोल में? मेन लीड में था। अच्छा, बंदेश के बाद फिर और कितनी फिल्में की? बंदेश के बाद मेरी फिल्म आई गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा तेरा पानी अमृत। इस फिल्म के साथ गाने बहुत फेमस हुए थे। हिट गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए, झरझर बहता जाए, बहुत हिट गाना था वो, पुराने जमाने का। जी जी। तो आपने कितनी फिल्में की टोटल? टोटल मैंने 7-8 फिल्में की। 7-8 फिल्मों में काम किया था आपने। अच्छा, उसके बाद फिर किनारा कर लिया बॉलीवुड से? हाँ, कुछ मारा वहाँ से, मैं अलविदा कहा फिल्म लाइन को, और मैं यहाँ खेती में आया क्योंकि खेती मेरा पुश्तैनी काम है। मन नहीं लगा आपको बॉलीवुड फिल्म में करने में? थोड़ा मैं वहाँ की जो लाइफ है बहुत फास्ट लाइफ है, सुकून कम है वहाँ। हाँ, सुकून कम है। हाँ, ये चीज तो सुकून है। तो देखो किसी भी शहर में चले जाओ, शहर में सुकून नहीं है, सुकून तो गांव में मिलता है। इसका एक अपना मजा है। हाँ, इसका अपना मजा है। ये लाइफ शहर में नहीं मिलती, ये नहीं जो यहाँ पे हम लोग, मतलब आप लोग जो जी रहे हैं वो वहाँ पे कभी नहीं मिलती। वो भागम भाग की लाइफ है, वो भागम भाग की लाइफ है, ये अलग लाइफ। अच्छा, तो फार्म हाउस आपने कब बनवाया था? ये 70 में जमीन हमने ली थी, ऊसर जमीन थी। अच्छा, बिल्कुल ऊसर। जी, आप पेड़ देख रहे हैं आसपास के, ये यहाँ कुछ भी नहीं था। तो अभी यहाँ पे आपकी कितनी पीढ़ी रहती हैं? हम, ये मैं हूँ, ये मेरे बेटे हैं अजय और विजय, और ये मेरे पोते हैं, तीन मेरे पोते हैं, दो पोतियां हैं। अच्छा, हाँ, दो तो यहीं पे बैठे हैं अभी? दो तो अभी यहीं बैठे हैं, बाकी सही बात है, तीन पीढ़ियां तो यहीं पे बैठी हैं। ये मान सकते हैं आपकी तीन पीढ़ियां यहीं पे बैठी हैं? हाँ, हमारी पांच पीढ़ियां थी जब ये मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, तो उस वक्त पांच पीढ़ी थी हमारी। अच्छा, लाइव। और उसके बाद मतलब जब मैं उसके पहले भी हमारे परदादा के टाइम से पांच पीढ़ी चल रही थी, फिर हमारे दादा के टाइम से भी पांच पीढ़ी रही है। अब हमारी शायद आगे पांच पीढ़ी मुश्किल से, अब नहीं शायद पैदा हुआ तो पांच पीढ़ी, जब जो नवराज पैदा हुआ तब भी हमारी पांच पीढ़ी थी। मतलब इसके पिता विजय, विजय का पिता मैं, मेरे पिता दाराजी, दाराजी के पिता सरदार सूरज सिंह, सूरज सिंह तक पांच पीढ़ी हो जाती है हमारी। हाँ,
तो तभी पांच पीढ़ी थी। खेती है, थोड़ा बिजनेस भी है, बड़ा बेटा थोड़ा बिजनेस देखता है, ये छोटा खेती करता है। अच्छा, तो मुंबई आना जाना लगा रहता होगा आपके परिवार? हाँ, मेरा भाई वहीं है बॉम्बे में बिंदु, तो मेरा भी जाना रहता है उसके पास। अच्छा, फैमिली अब तीन जगह बट गई आपकी उधर? हम लोग अब हम लोग चंडीगढ़, पंजाब अमृतसर और चंडीगढ़, धर्मूचक चंडीगढ़ और बॉम्बे और मेरठ। हाँ जी, पंजाब से निकले हैं आप, तो आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है? हाँ आती है, मतलब बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। यही तो, अभी आप यूपी में रह रहे हैं, हमने समझा कहीं, मैंने बहुत समय हो गया है, भूल गए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो तो आपकी मातृभाषा है, मातृभाषा वो याद रहती है। आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म पंजाब में हुआ था। आपको है ये यहाँ की पैदाइश है? लिमलान का अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, शौक ही नहीं है। ये भी बात है कि अपने अपने शौक भी होता है। वैसे तो आजकल आप किसी से पूछोगे ना फिल्म लाइन के लिए, तो सभी हाँ कर देंगे, हाँ भाई फिल्मों में हमें ही जाना है। हर आदमी जाना चाहता है, लेकिन वो एक बड़ा अलग एक फील्ड है, उसमें हर आदमी कामयाब नहीं हो पाता। आर्ट का मसला है, और बेसिकली आर्टिस्ट होना बड़ा जरूरी है। मेरी फिल्म करिए, तो उन्होंने पहले मना किया कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी सेहत ठीक नहीं। उन्होंने बहुत जिद की, कई बार आए वो, तो वो कहने लगे दादाजी मैं आपका बैठे बैठे भी रोल आपसे करवा लूंगा, आप करिए जरूर। तो दादाजी ने वो फिल्म की। अच्छा। और वो उनका जो कुछ मुआवजा उन्होंने देना था दादाजी को, वो भी दादाजी की डेथ के बाद उनका चेक आया था। अच्छा। वो मुझे मेरे भाई ने दिखाया कि देखो दादाजी का ये अभी चेक आ रहा है उनका, राजपाल यादव की तरफ से। अच्छा, लास्ट फिल्म उनकी आता पता लापता ही थी। अच्छा, दारा सिंह जी ने कितनी फिल्में की होंगी टोटल बेटा? उन्होंने बहुत फिल्में की, उनकी तो मेरा ख्याल नियर बाई 100 से ऊपर फिल्में की। बहुत फिल्में। राज्यसभा सदस्य भी रहे 6 साल के लिए, राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी से रहे, और अटल जी के टाइम पे। अटल जी ने ही उनको मनोनीत किया, अटल जी ने किया था। राज्यसभा में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं जी, जो पॉपुलर लोग होते हैं उन्हीं को जगह मिलती है जी जी। हाँ, तो उनको तो वैसे ही ख्याति प्राप्त थी, और रुस्तम हिंद कहे जाने वाले जी जी। उनको तो खैर अब क्या ही बताएं, जी जी। जितनी तारीफ करें मतलब शब्द ही नहीं है जी जी। पहलवानी क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाओगे ना, तो बस यही नाम आएगा सबसे ऊपर। आज भी लोग बहुत मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब कृपा थी प्रभु की, और लोगों का प्यार। देखिए, प्रभु की कृपा, लोगों का प्यार और मेहनत, लोगों का उनका जो मेहनत, उनकी जो आत्मविश्वास था, उनकी जो मेहनत, कड़ी मेहनत, मेहनत और लगन। हाँ, क्योंकि उनके पास जब उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो गांव में जमीन खत्म हो चुकी थी। उनके उनके हिस्से में सिर्फ 2 कनाल जमीन आती थी, 2 कनाल यहाँ का। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा भी है कि मेरे हिस्से में सिर्फ 2 कनाल, मतलब 1 बीघा। अच्छा, 1 बीघा, 1 कनाल का 1 बीघा। हाँ, 1 बीघा, 1 बीघा में वो कह रहे कि मैं प्याज भी लगा के गुजारा नहीं कर सकता था, इतनी कम लैंड उनके हिस्से में आई थी। तो उन्होंने वहाँ से उठ के अपना जीवन स्टार्ट करके, और फिर अपने कुश्ती में नाम कमाया। उनमें लगन, काम के प्रति अपनी इतनी लगन थी, वो हमने कभी किसी आदमी में बहुत ही कम देखी। ये होना भी चाहिए, जब तक हम किसी काम में लगन नहीं लगाएंगे ना, हाँ, सफलता नहीं मिलेगी। वो अगर ट्रेन में सफर करते थे ना कभी, और फर्स्ट क्लास के कूपे में जब वो जाते थे, तो फर्स्ट क्लास शाम जब होती थी तो ट्रेन के कूपे में वर्जिश करते थे। अच्छा, चलती हुई ट्रेन में डंड बैठक लगा लेते। क्या बात, हाँ, छोड़ते नहीं थे वर्जिश। वर्जिश नहीं छोड़ते, चाहे काम कोई भी हो, सफर हो, कहीं पे भी हो, पर अपनी वर्जिश रखते। हाँ, वर्जिश शुरू कर। वो कहते थे अगर 1 दिन वर्जिश छोड़ दी तो 21 दिन की पहलवानी खत्म हो जाएगी। क्या बात है। और आजकल की पीढ़ी को आप देखेंगे ना, सो रहे हैं, सुबह का अलार्म लगा दिया 4 बजे का। हाँ। हम तो अपनी बातें बता रहे हैं, अलार्म बंद कर 1 घंटे और नींद ले लेते हैं, फिर जगेंगे। ऐसा करते हैं हम भी। सुबह 3:30-4 बजे उठते थे, और वो बाहर खेतों में जाके निवृत्त होके उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते थे लगातार 2 घंटे। जब एक्सरसाइज चलती थी, जब वो डंड निकालते थे तो ऐसे उनके हाथ रखे होते थे, जब डंड लगाते थे
तो उनका जो सर्दियों में बहुत जब सर्दी कोहरा पड़ रहा होता तब उनका पसीना ऐसे जाता था, ऐसे धार पड़ती थी पसीने की और नीचे ऐसे हो जाता था जैसे कोई नहाया हुआ हो आदमी, यहाँ बैठ के कोई नहाया है, इतना पसीना जाता था। बहुत मेहनत करते थे। हाँ, बहुत मेहनत करते। लंबाई बहुत थी दारा सिंह जी की? 6 feet 3 inches, 2 and half। उनका फिजिक खूबसूरत बहुत था। हाँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरती उनके बदन में थी। वैसे स्ट्रक्चर उनका, इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर आज तक किसी पहलवान का हुआ नहीं। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम कभी आपसे मिल पाएंगे ऐसे और आप हमको मिल पाएंगे। बहुत हमारे लिए मतलब बहुत खुशी की बात है ये। हाँ, हम भी आपसे मिलके बड़े खुश हुए। आप लोग आए, आपका शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। इतना अच्छा नेचर है आपका, बस अब क्या बताएं। आपने पूरा देखा होगा वीडियो में और दारा सिंह जी के बारे में आपने रोचक बातें बताई हमको और हमारे दर्शकों को। जी, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम। बॉर्डर पे जाना है देखने के लिए, आप सबने प्रोग्राम बनाया कि बॉर्डर देख के आएंगे। अच्छा अच्छा, तो वो मजाक में कहने लगे, अरे भाई मेरा हुक्का जो है कि इसको कहीं पाकिस्तान वाले तोप ना समझ ले। आते कहीं उसको तोप ना समझ ले। मजाक में कहा। राजस्थान कभी आदमी अच्छा है। वो राजस्थान में लोग, मैंने देखा, मैं राजस्थान कभी जाता हूँ ना, जोधपुर इधर उदयपुर तक गया हूँ, वहाँ क्राइम नहीं है। दारा जी की जो पहली फिल्म बनी किंग कॉन्ग, उसके प्रोड्यूसर भी यहाँ के थे। मेरठ गए देवी शर्मा प्रोड्यूसर। उन्होंने कई फिल्में बनाई दारा जी की, किंग कॉन्ग उन्होंने बनाई पहली फिल्म। आजकल का एक युग ऐसा है कि बच्चे जो है ना, इनको दूर, ये मानता हूँ कि सहनशीलता अच्छी चीज़ है, पर जिसे कहते हैं ना फिटेस्ट वाच द सर्वाइवल्स, इंग्लिश में कहते हैं कि सर्वाइव अब वो करेगा जो फिट है। हाँ, फिट है तो हर तरीके से निपट लिए। अच्छा, ये रोड कहाँ निकल रहा है? ये इधर तो रोटा रोड जिसे कहते हैं, बड़ौत रोड कह लो, इस रोड से ये करनाल रोड आ जाएगा। हम ये रोड सीधा जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? जहाँ से मुड़ के ये बड़ौत जा रहा है। अब ये जो है लखवाया से ये वाला, इसको चंडीची रोड बोलेंगे, थोड़ा आगे जाओगे ना 4 किलोमीटर। अच्छा, तो ये करनाल रोड में मिल जाएगा, सीधा करनाल जा सकते हैं। हाईवे पर चल जाएंगे आप? हाँ, यहाँ से हाईवे पर चल जाए, मतलब यहाँ से इधर भी हाईवे, इधर भी हाईवे, इधर भी दोनों। और सामने तो पर है ही वो दिल्ली वाला। ये तो दिल्ली वाला है, वो तो मेन हाईवे है। मैंने अगर दिल्ली यहाँ से जाना है तो मेरा 40 मिनट का रास्ता है, 40 मिनट में हम चले जाएंगे। कितना पड़ता है ऐसे दिल्ली? 65 किलो। हाँ। मेरा जो गाना था ना उसमें शत्रुघ्न सिन्हा और मैं, वो हम डकैत हैं उस फिल्म में, दोनों डाकू का रोल था। वो था गंगा तेरा पानी। उसमें हमें यारी से गरे यार जो भी करे, वो हम दोनों का गाना, दोनों मिलके लूटते थे। दोनों मिलके लूटते थे, लेकिन मतलब जमींदारों, बड़े बड़े जमींदारों को लूट के गरीबों की हेल्प करते थे। बहुत अच्छा, किस तरह का करेक्टर था। अच्छा, ये बताइए पुराने जमाने में फिल्मों की शूटिंग कितने दिन में हो जाती थी कंप्लीट? ये मेरा ख्याल है नहीं भाई, एक फिल्म में 60 की शिफ्ट, 2 महीने 3 महीने लगता, तो सालों लग जाता है, लेकिन शूटिंग डेज। अच्छा अच्छा, शूटिंग वाले दिन 60-70 दिन। उसके बाद एडिटिंग वगैरह, वो तो वॉइस को अलग से रिकॉर्ड करते होंगे। मतलब पहले तो शूटिंग ही मान लो आपकी महीने में एक आध बार हुई, 2 बार हुई 3 बार हुई, क्योंकि डेट चाहिए ना सबकी। हाँ, अब किसी को डेट नहीं है, वो किसी को डेट नहीं है, तो ऐसा कभी किसी की डेट नहीं, कभी किसी की डेट नहीं, वो सबका तालमेल बैठा के डेट कर लेना है। अगर 4 आर्टिस्ट चाहिए, 5 चाहिए, तो 5ों का डेट मिलेगा तो तब शूटिंग शुरू होगी। और हीरो होते हैं बिजी बहुत। अच्छा, हीरो जो मेन रोल में हीरो काम करते हैं, उनको कितना पैसा मिलता होगा आपके ज़माने में? जमाने में जो हमारे टाइम पे जो टॉप हीरो थे, वो भी मेरे ख्याल कोई 5 लाख तक के। हम लोगों को तो हो सकता 20-25 हज़ार रुपया, 50 हज़ार रुपया, 1970-75 के बाद। आज के टाइम की अगर बात करें तो कितना मिलता होगा? वो आज के टाइम में तो वही लाखों में हो जाए, जूनियर कलाकारों को भी लाखों में। अगर मान लो आज के 50 हज़ार है, तो आज का जमा उस वक्त का 50 हज़ार भी आज मेरे ख्याल 20 लाख से कम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, 20 लाख से कम नहीं। ये वाला गाना बता रहे हैं क्या? जी,
देखा ये है आप? हाँ क्या बल्लू करेक्टर है मेरा, बल्लू नाम, पंजाबी टच है। हम तो जब सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत मजा आता होगा शूटिंग के टाइम ये माहौल रहता होगा बहुत बढ़िया। शायर लुधियानवी ने लिखा था ये गाना। शायर लुधियानवी के बोल हम एफएम पे गाने सुनते हैं तो उनमें नाम आता है बहुत, हसरत जयपुरी, ये बदरास भी इसका शूटिंग। क्या धर्म जी के साथ आपका आना जाना? बहुत फ्रेंडली रिलेशन है। ठीक है अंकल जी, जीते रहो जीते रहो।